अगर तम कांग्रेस जहस कर कोशिश कर सू कम खर कर तम सर तम अम खर ताकि बह कर नरेंद्र मोदी खोश बह कर आर एस एस खोश बह कर अमित शाह खोश ये अमित शाह तारीफ कर आओ दोपन ये गुलाम नबी आजादी वोत क्या अमित शाह पता कि अगर मे कह फायद दी अगर मे पार्टी का फायद दी अगर मे पार्टी का सीट बढ़ाए सू बढ़ाए गुलाम नबी आजाद क्या कर कांग्रेस किस वोटर्स के है। इसको पुराने जमाने में बोलते थे यपोर बानहाल द अपोर बानहाल, ये बानहाल ही है। इसलिए मुझे यहाँ के लोगों से उम्मीदें हैं और इनको हमसे उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह रहमान हमने बहुत ही नफीस आदमी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अमोनला मंटू साहब को बनाया है। आइंदा हम दिवसर में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को यहाँ मजबूत करेंगे। अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी 1000 वोट से जीती, इस बार इंशाल्लाह 1000 वोट से अमानुल्लाह मंटू जीतेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम करने आए थे और मैं मुबारकबाद देता हूँ अमानुल्लाह मंटू साहब को कि इन्होंने सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोगों से हमारा रिसेप्शन कराया, यहाँ जलसे में आए और आने वाले वक्त में आपको आप देखेंगे पूरी रियासत में जो है कांग्रेस अपना झंडा लहराएगी। अभी राहुल गांधी जो है 2 महीने के बाद यहाँ आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे आ रहे हैं। लखनपुर से हम चलने में उनके साथ शुरू हो जाएंगे। 10,000-20,000 लोग लेके टनल से यहाँ से गुजरेंगे, कश्मीर में हम जलसा करेंगे और इंशाल्लाह जो नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए निकले हैं और महंगाई को खत्म करने के लिए निकले हैं। और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी सेंटर में और रियासत में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। तो रेट जो है 375 रुपए है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अगर मुलाजिम 50 होंगे 100 होंगे, उसके बगैर सारे बीपीएल ही मजदूर और जमींदार लोग हैं। तो हम सरकार से डिमांड करेंगे, MD जो बिजली का है उससे बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे कि इस इलाके को आप बिजली का रेट जो है वो कम करें। और हम डिमांड भी करते हैं प्रेस मीडियम से, क्योंकि यहाँ के लोग बियर नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो आदमी 2000 भी साल का नहीं कमा सकता हो, महीने का नहीं कमाता हो, वो कहाँ से 1000 रुपये बिल भरेगा। नजरसानी करने की जरूरत है, इनको भी 300-400 रुपये बिल जो है वो भरनी चाहिए। हमने आज इसको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बना दिया, आइंदा आने वाले वक्त में इसका अभी कोई हमें नहीं लगता है कि इसके मुकाबले हमें कोई बंदा है यहाँ, इसलिए यही तैयारी करेगा, यही इलेक्शन लड़ेगा यहाँ से। शुक्रिया।